बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़े जाने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पकड़े गए रोहिंग्यों के पहचान पत्र से मिली जानकारी के बाद पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसियां चौंक गई हैं और गंभीरता से जांच करने में जानकारी अनुसार मथुरा की स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा कोसी क्षेत्र में दो बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़े गए हैं, जो पिछले काफी समय से अपनी पहचान छुपा कर कोसी कला में ईदगाह के पीछे रह रहे थे। स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा बांग्लादेशियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत इनकी पहचान करते हुए कोसी कला पुलिस की मदद से दो लोगों को पकड़ लिया गया है। पूछताछ में दोनों ने अपने नाम तुहीर शेख निवासी ग्राम सीधी पाशा थाना अभोई जिला जसर बांग्लादेश और दिलीप मंडल निवासी ग्राम लोदीपुर थाना देभटा जिला शतकीरा बांग्लादेश बताया है। संयुक्त टीम ने इनके पास से एक भारतीय पैन कार्ड, घड़ी, मोबाइल बरामद किया है। इन दोनों बांग्लादेशियों के पास भारत में रहने के कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वह भारत में अवैध रूप से रह रहे थे और कूड़ा करकट बीन कर अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सर, अवैध बांग्लादेशियों के बारे में क्या जानकारी है? ये दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें स्थानीय LIU की टीम और थाना कोसी की टीम के द्वारा गिरफ्तारी की गई है और इसमें से दो लोग तुहीर शेख और दिलीप मंडल नाम के दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। इन्होंने पूछताछ के अंदर ही स्वीकार है कि अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करके आए थे और पिछले 4-5 महीने से यहाँ पर रह रहे थे। तुहीर शेख बेसिकली जिला जसर करके जो बांग्लादेश है, जो इसने पूछताछ में बताया, वहाँ का रहने वाला है। दिलीप जिला शतकीरा खुलना बांग्लादेश है, जहाँ पर उन्होंने बताया। इन चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं। दोनों के पास से पैन कार्ड जो है, एक पैन कार्ड मिला है और एक मोबाइल फ़ोन मिला हुआ है। इनके ऊपर अभियोग 14 विदेशी अधिनियम का और 430/67/71 जो इन्होंने पैन कार्ड बनाया है, उसके संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इन्होंने ये बात स्वीकारी है कि इनके पास कोई वीज़ा, पासपोर्ट किसी भी तरीके का नहीं था। अवैध रूप से यहाँ पे पिछले 3-4 महीने से रह रहे थे और जो वहाँ पे कोसी का इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर कूड़ा बीनने इत्यादि का काम कर रहे थे। इन लोगों को पूछताछ की गई है, रिमांड पे लेके और पूछताछ की गई। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।